सेफ शॉप डायरेक्ट दिस। कैसे हैं आप लोग? बहुत देर से ताली बजाते बजाते परेशान हो गए। जो आता है बजाओ ताली, जो आता है बजाओ ताली। कई सारे लोग सोचते हैं खाली कब होगा, ये ताली आप बहुत बजा चुके हैं, है ना? कुछ बातें खाली आप लोगों के बीच में करने आए, समय बहुत कम है। और अभी कई सारे रिकॉग्निशन अभी और भी बाकी हैं, जैसे अभी मुझे मालूम हुआ। कुछ भी कहने से पहले तो सबसे पहले मैं जो यहाँ भी पर्ल रिकॉग्निशन अभी दो लोगों ने ली यहाँ पर, और सिल्वर स्टार और गोल्ड की भी रिकॉग्निशन यहाँ अभी हुई है। आगे अभी सिल्वर जिनकी टीम 50 लोगों की हो चुकी है उनकी अभी रिकॉग्निशन बाकी है, जिनकी 18 लोगों की टीम है लीडर्स क्लब उनकी रिकॉग्निशन बाकी है, और यूएससी की भी रिकॉग्निशन बाकी है। तो जिन लोगों ने भी रिकॉग्निशन लिया है और जो आगे भी लेने वाले, पहले मैं अपनी तरफ से उनको और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक उम्मीद और विश्वास के साथ आपने इसे करना शुरू किया और आप अपनी उम्मीदों पर अपने विश्वास पर आप खड़े उतरे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों की टीम को आज आप लीड कर रहे हैं। यही थोड़े लोग आने वाले कल में हजारों और लाखों में बदल जाएंगे, जो आज आपने कुछ लोगों के साथ आपने शुरुआत की। यहाँ पहली बार मुझे कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम लाइव सारे लोग। और मजे की बात होना भी चाहिए था, मैं आया ही पहली बार यहाँ। मैं गुजरात के ये अहमदाबाद और ये पालनपुर के भीतर मैं पहली बार ही आया हूँ, तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया। आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका एहसान मंद हूँ जो आप लोगों ने मुझे अपने शहर में आने का मौका दिया। मुझे अपने बीच में आने के लिए आपने मुझे परमिशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अभी कितने लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, बिजनेस अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और आज हमारे साथ हमारे बीच बैठे हुए कई सारे साथी हैं, करीब 50-60 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें आप लोगों से करने की शुरुआत करूंगा, अपने आप के बारे में भी जरूर बात करूंगा। अक्सर करके शुरुआत में होता क्या, जब पहली बार कोई व्यक्ति हमें इस बिजनेस के बारे में बताता है, समझाता है, हमारे घर पर आता है और हमसे कहता है कि इस बिजनेस की वजह से आप महीने में कमा सकते हैं 8 लाख रुपया। कितना? सच बात है, दिल पे हाथ रख के बताना, विश्वास होता है पहली बार? पहली बार में लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पहली बार में लगता है कि वो परियों की कहानी सुना रहा है। मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है ना? परेशानी तो नहीं ना? शुक्रिया आपका। तो पहली बार में जब सामने वाला व्यक्ति 8 लाख की बात करता है, सच कहूं वो मजाक से कम नहीं लगता है, क्योंकि हम और आप जिस समाज में पले पड़े हैं, उस समाज के भीतर हर व्यक्ति ने हमारे दिमाग में एक बात को बिठाया है कि हम 10,000 महीना कमा सकते हैं, हम 20,000 महीना कमा सकते हैं, हम 30,000 महीना भी कमा सकते हैं, हम 40,000 महीना कमा सकते हैं, हम 50,000 महीना कमा सकते हैं, 60,000 महीना भी कमा सकते हैं, 70,000 महीना भी कमा सकते हैं, 80,000 महीना भी कमा सकते हैं, 90,000 महीना भी कमा सकते हैं, लाख तुलना वो इस जन्म में नहीं हो सकता। जिस छोटे परिवार में हम और आप हैं, उस छोटे परिवार में सिर्फ हजारों ही कमाए जा सकते हैं। ये बात बचपन से लेकर जवानी तक और मरते दम तक हर व्यक्ति हमारे परिवार का, हमारे समाज का ये बात हमारे दिमाग में बिठाता चला जाता है। और कभी हम अपनी जिंदगी में लाखों कमाने वाले रास्ते की तरफ कभी ना चल पाते हैं, ना लाखों कमाने वाला रास्ता कभी खोज पाते हैं, ना लाखों कमाने वाले रास्ते पर कभी जीवन में कभी विश्वास कर पाते हैं। और यही वो वजह और कारण होता है जिसकी वजह से हम जिंदगी में वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां पहुंचने के बारे में हमको पता ही नहीं होता, जिंदगी में उस जगह तक हम जा ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता कि कोई व्यक्ति आपके पास में आया, जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में आपको समझाया और बताया, सच कहूं जब वो व्यक्ति पहली बार आपके पास में आया था, उस व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में आपको बताया था कि आप यहां से लाखों कमा सकते हैं, आपको भी भरोसा नहीं कि वो जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि यहां सच में लाखों कमाई जा सकते हैं, आपको भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं था कि सच में यहां कमाई जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जुड़े क्यों? उसकी बहुत छोटी सी वजह, क्योंकि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया,
वो व्यक्ति कोई आपका पराया आदमी नहीं था, आपका या तो कोई रिश्तेदार था या तो आपका कोई जिगरी वाला यार था। रिश्तेदारी ना टूट जाए इस डर की वजह से, रिश्तेदारी बचाए रखने के खातिर हम जुड़ गए, यारी बचाए रखने के खातिर कि अगर मैंने अपने यार को मना किया तो मेरा यार बुरा ना मान जाए, यार बुरा ना मान जाए, अपनी यारी को बचाए रखने के खातिर हम सिर्फ जुड़ गए, उस रिश्तेदारी के खातिर, उस यारी के खातिर हम सिर्फ जुड़ गए। लेकिन यहां से जिंदगी बदल सकती है, लाखों कमाया जा सकता है, इस बात का विश्वास दूर दूर तक हमारे पास होता कतई नहीं। यही वो कारण होता है कि जब जुड़ जाने के बाद हमारा साथी हमसे अक्सर करके कहता है कि ट्रेनिंग में चलना है, मीटिंग में चलना है, लोगों से मुलाकात करनी है, इस बिजनेस के बारे में उनको हम बताएंगे, आने वाले कल में लाखों कमाएंगे। भरोसा तो था ही नहीं ना कि हम यहां से इतनी बड़ी जिंदगी बना सकते हैं, इतना बड़ा जीवन हो सकता, सिर्फ यारी बचाने के लिए, रिश्तेदारी बचाने के लिए सिर्फ जुड़े थे। जब विश्वास ही नहीं तो आदमी काम करने की शुरुआत करता है क्या, कर पाता है क्या? और यही वो कारण होता है कि जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग में जाने से घबराते हैं या ना जाने के कारण उस व्यक्ति को बताते हैं। कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ इलॉजिकल होते हैं, कुछ सही कारण होते हैं, कुछ गलत कारण होते हैं। झूठ मूठ की हम बातें खाली कर देते हैं, नहीं मेरे पास में ढेर सारे काम है, जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग में जा नहीं पाते। तो बात क्या होती है, ऐसा क्यों हो पाता है, वो सोच वो विचार हमारे दिमाग में क्यों बन पाती है, थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के बीच में करूंगा, है ना, थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के बीच में करूंगा। अक्सर करके अगर आदमी की जिंदगी में अगर देखा जाए, अक्सर करके अभी आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने भी बिजनेस को ज्वाइन अभी तक नहीं किया, बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, कितने लोग हैं यहाँ पर, एक बार दोबारा जरा हाथ खड़े कर, इधर भी हेड्स आए, सर आप, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रमेश भाई ठाकुर। कहाँ से है रमेश जी? अच्छा चलिए, पालनपुर जिले से ही है रमेश भाई ठाकुर। अच्छा रमेश जी, मैं आपसे कोई सवाल करूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे, सवाल पूछ सकता हूँ, परमिशन है? चलिए एक जोरदार ताली पहले रमेश जी, रमेश जी से करने जा रहा हूं। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मेरा रमेश जी के साथ में नहीं, बल्कि आज यहां जो साथी यहां पर बैठे हुए हर उस साथी के साथ ये सवाल मैं यहां पर कर रहा हूं। खाली रमेश जी को मैंने एक माध्यम मैंने चुना हुआ है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आदमी की जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर कमी है तो वो है समय की। आदमी के पास में समय नहीं, ना जीने के लिए, ना खाने के लिए, ना परिवार को देने के लिए समय नहीं। ऐसा ही एक दिन था रमेश जी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के खातिर जीवन में भागने दौड़ते जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन की बात ही बड़ा फुर्सत में आपको एक फुर्सत का दिन मिला हुआ, और उस फुर्सत के दिन में आपका मन किया कि चलो आज अपने ही शहर को मैं घुमा जा, और पता ही नहीं चला कि आप घूमते घूमते किस धुन में आप चले जा रहे थे, और अचानक घूमते घूमते आप एक ऐसी सड़क की तरफ आप निकल गए जिस सड़क पर आपने क्या देखा कि दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। रमेश जी थोड़ा ही आप आगे गए, आपने क्या देखा, सड़क के ऊपर एक 500 रुपए का और एक 2000 रुपए का नोट जमीन पे गिरा हुआ। रमेश जी आपने चारों तरफ घूम के देखा, दूर दूर तक कोई आपको नजर नहीं आया। रमेश जी आप क्या कर रहे हैं? अरे 500 वाला भी और 2000 वाले भी दोनों उठा ले, छोड़ेंगे एक भी मतलब क्यों छोड़ेंगे भाई? लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी माता मिले तो हम बोले लक्ष्मी जी जाओ, लक्ष्मी जी जाओ, इसलिए पूजा करते हैं लक्ष्मी जी आओ, मिली है तो फिर रखना है। और ऐसे भी देखो जी हमारे देश की मुद्रा अगर जमीन पे गिरी रहेगी तो हमारे देश का अपमान होगा कि नहीं होगा? इससे ज्यादा देशभक्ति और क्या चाहिए होता है? अच्छा रमेश जी एक आदमी है जो सूट पहन के बूट पहन के दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है, और उसके हाथ में एक सूटकेस है, वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आता है, वो सूटकेस आपको देता है और कहता है कि इसमें 20 करोड़ रुपया है, इसको आप रख लीजिए, क्या करें? जोरदार ताली हो जाए रमेश जी, बहुत जिगर वाले आदमी। अच्छा इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं रखेंगे? अच्छा कितने, अच्छा दूसरे को देख कुछ लोग रहते हैं हाथ खड़ा दिया, देखा बाजू वाला नहीं उठा रहा था। अच्छा कितने लोग हैं जो कह रहे हैं रख लेंगे जी? अच्छा कितने लोगों ने कहा कि रख लेंगे, और बाकी जिन्होंने नहीं उठाया इसका मतलब वो नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखोगे जी आप, क्या दुश्मनी है उस नोट से? जब मुफ्त में आ रहा है इसलिए रखोगे? मुफ्त का माल तो हर कोई रख लेता, आप क्यों नहीं रखेंगे? आप रख लेंगे, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे वो क्यों नहीं रखेंगे? विश्वास नहीं उनको, बम भी हो सकता है, आप कह रहे हैं बम भी हो सकता है, दो नंबर वाला भी हो सकता है, चक्कर वाला भी हो सकता है,
मोदी साहब ने बड़ा हिसाब किताब टाइट कर रखा, मालूम पड़ा जान छुड़वाने के चक्कर में हमको फंसाने का चक्कर चला सकता है। फिर सारा दिमाग में सवाल विचार चलेगा, हाँ कि ना? फिर जिंदगी में यही सबसे बड़ी चीज है, जब छोटी चीजें जब आदमी के पास आती है, 500 और 1000 रुपए का नोट जब आदमी के पास में आता है, तो 500 और 2000 का नोट उठाने से पहले आदमी एक बार भी सवाल जवाब नहीं करता, उठाता है और जेब में रख लेता। लेकिन जैसे ही करोड़ों की बात शुरू होती है, करोड़ों का दिमाग में आते दिमाग में सवाल आता है, दो नंबर वाला तो नहीं, चक्कर वाला तो नहीं, गलत पैसा तो नहीं, ये वाला पैसा तो नहीं, वो वाला पैसा तो नहीं, ढेर तरह के सवाल। 500 और 2000 रुपए के नोट उठाने से पहले आदमी सवाल नहीं करता, लेकिन 20 करोड़ देने से पहले आदमी सवाल जवाब करता है। वजह क्या है? वजह क्या है? जब 500 और 2000 रुपए का नोट जब हमारे सामने आता है, तो 500 और 2000 रुपए के नोट के सामने जो मेरी सोच है, वो सोच उस 500 और 2000 रुपए के नोट के सामने बहुत बड़ा है। इसीलिए वो 500 2000 का नोट मुझे बहुत छोटा लगता है और लगता है अपना माल है, रख लो, सवाल जवाब दिमाग नहीं करता। लेकिन जैसे ही 20 करोड़ की रकम हमारे सामने आती है, 20 करोड़ की रकम के सामने मेरी सोच और मेरी समझ छोटी पड़ जाती है, और 20 करोड़ की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी लगने लगती है, और लगता है दो नंबर वाला तो नहीं, चक्कर वाला तो नहीं, गलत पैसा तो नहीं, ढेर तरह के सवाल आदमी के दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। यकीन कीजिए, अगर आपकी सोच अगर करोड़ों की, अगर आपका विचार अगर अरबों का, तो आपके लिए 20 करोड़ की रकम भी 500 और 2000 रुपए के नोट के बराबर लगेगी, उसे उठाने से पहले आपका दिमाग सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सोच बड़ी है। जिंदगी में जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को बड़ा बनाने से पहले अपनी सोच को बदला। जब बात सोच की आई है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, परमिशन है? Yes! यहां ऐसे कुछ लोग हैं जो नेपाल से हैं? No, no. चलिए, अगर होते भी तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता। दरअसल मेरा इरादा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं, बल्कि बस किसी माध्यम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान उस चीज की तरफ देना है, सही है ना? Yes. कितने लोगों को मालूम है नेपाल में पशुपतिनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है? बहुत सारे लोग जानते हैं। दरअसल क्या था, एक नेपाली दिन रात पशुपतिनाथ जी की पूजा करता रहता था, अचानक उसके सामने पशुपतिनाथ जी साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मां तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे 3 वरदान देने के लिए आया हूं, तेरी पूजा पाठ से आज मैं बहुत खुश हूं। अचानक पशुपतिनाथ जी को सामने देखकर उस नेपाली को समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू। उस नेपाली ने हाथ जोड़कर बोला कि हे पशुपतिनाथ जी, हे पशुपतिनाथ जी, एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना दीजिए। पशुपतिनाथ जी बड़े खुश, उन्होंने बोला तथा एक आलीशान बंगला बनकर तैयार हो गया। पशुपतिनाथ जी ने बोला कि दूसरा वरदान मांग। उस नेपाली ने हाथ जोड़कर बोला कि हे पशुपतिनाथ जी, उस बंगले में एक सेठ और सेठ का परिवार बसा दीजिए। पशुपतिनाथ जी बड़े कंफ्यूज हो गए, बंगला बनवाया था, रहना इसको अपने परिवार के साथ चाहिए, और ये कहता है कि एक सेठ और सेठ के परिवार को बसा दो। पशुपतिनाथ जी को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तथास्तु। उस बंगले में रहने के लिए एक सेठ और सेठ का परिवार आ गया। पशुपतिनाथ जी ने बोला कि तीसरा वरदान मांग। उस नेपाली ने हाथ जोड़कर बोला कि हे पशुपतिनाथ जी, उस सेठ के बंगले के गेट पर मुझको चौकीदार की नौकरी दिलवा दो। चुटकुला कैसा लगा? जोक में मजा आया? आया? यस। जिंदगी की सबसे बड़ी कोई एक बात अगर हमारे तो जो उनके ससुर थे वो बचपन से अंधे थे। कितने लोगों के इस बारे में मालूम है? अच्छा, कुछ लोगों को मालूम है, चलो बढ़िया, वेरी गुड। दरअसल क्या था, जब सती सावित्री के पति के प्राण को लेकर यमलोक की तरफ यमराज जा रहे थे, उनका पीछा करते करते सती सावित्री यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद यमराज ने बोला कि हे देवी, यहां तक तो पीछा करते करते आप आ गई, लेकिन अब आप इसके आगे नहीं जा सकती। आप अगर चाहो तो आपके पति के प्राणों को छोड़कर मैं आपको कोई भी एक वरदान दे सकता हूं, लेकिन आपके पति के प्राण वापस नहीं दे सकता। जब सती सावित्री को ऐसा यमराज जी ने बोला, तो यमराज जी को हाथ जोड़कर सती सावित्री ने बोला कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि मेरे ससुर अपने पोते को सोने के कढ़ाई में नहाता हुआ देखे। ससुर जी की आंखें तो थी नहीं,
क्या बगन आंखों के अपने पोते को नहाते हुए देख सकते थे क्या? एक ही झटके में ससुर जी की आंखें वापस आ गई। अब किसी परिवार का बच्चा सोने के कढ़ाए में, मतलब सोने के बाद टब में अगर नहाएगा, तो आप मुझे बताओ उस व्यक्ति के पास में धन दौलत की कोई कमी होगी क्या? धन दौलत राजपाट सब वापस आ गया। सती सावित्री प्रतिव्रता नारी थी, क्या मगर पति के इस दुनिया में पोता हो सकता था? तीसरे ही झटके में पति के प्राण वापस आ गए। इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने। जिंदगी में अगर आदमी की सोच अगर बहुत बड़ी हो और उस बड़ी सोच रखने वाले इंसान को जीवन के भीतर जीवन को बदलने का मौका जीवन में अगर एक बार भी अगर मिलता है, तो वो व्यक्ति उस एक मौके का इस्तेमाल करके ना केवल अपनी जिंदगी बड़ी बनाने की ताकत रखता है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन वो बना सकता है इस आदमी की सोच। और आदमी की सोच अगर बहुत छोटी हो उस नेपाली की तरह, और उस व्यक्ति को अगर जिंदगी को बनाने का मौका तीन तीन बार भी मिलता है, वो तीनों के तीनों तीर खाली चले जाते हैं। जिंदगी में जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को बड़ा बनाने से पहले अपनी सोच को बहुत बड़ा। मैं ये नहीं जानता कि अब तक आप अपने आप को कितने वाला समझते थे, 10,000 वाला समझते थे, 50,000 वाला समझते थे, या 60,000 वाला समझते थे, या 80,000 वाला समझते थे। मैं ये नहीं जानता आप अपने आप को कितने वाला समझते थे, लेकिन जिस दिन आप अपने आप की वैल्यू को बढ़ा देंगे, जिस दिन अपनी सोच को आप बड़ी कर लेंगे, उस दिन के बाद से आपकी आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिस दिन अपनी सोचने की काबिलियत को आप बड़ा कर लेंगे। मैं दोस्तों अगर अपनी बात करूं तो मेरा नाम अजय पंडित है, और ऐसा नहीं है कि जब मैं इस बिजनेस के भीतर आया था तो मेरी भी सोच कोई बहुत बड़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। पहली बार किसी व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया कि जी आप यहां से कमा सकते हैं महीने में 8,00,000 रुपया। ऐसा हर किसी के साथ होता है, भरोसा होता है क्या? भरोसा होता है क्या? मैंने भी भरोसा नहीं किया। मैंने उन भाई साहब से बोला कि देखिए साहब, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूं, वो भी किसी प्राइवेट कॉलेज से नहीं, सरकारी कॉलेज से। उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद, महीने का छोड़ दीजिए, साल में भी मैं 8,00,000 कमाऊंगा या नहीं। और आप यहां पर कहते हो कि यहां आदमी महीने में 8,00,000 कमा सकता है। डिग्री वाले को भरोसा नहीं कि वो साल में 8,00,000 कमाएगा कि नहीं, और आप जब तक बिना डिग्री वाला आदमी यहां पर महीने का 8,00,000 कमा सकता है, बोला ये बात समझ में नहीं आई। मैंने विश्वास नहीं किया इस बिजनेस के भीतर नहीं आता, लेकिन मेरे ना कहने के बावजूद वो लगातार इस काम को करते चले गए। और इस बिजनेस के भीतर जब उनकी आमदनी सप्ताह में 1,00,000 रुपए आने लगी, तो मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया था, वो व्यक्ति मेरे बहुत दूर के नहीं थे, बल्कि मेरे बहुत नजदीक थे। उनका मकान और मेरे मकान के बीच में सिर्फ एक मकान का फासला था, मेरा मकान उनके मकान के बीच में सिर्फ एक मकान। मेरे ना कहने के बावजूद करते चले गए, 1,00,000 सप्ताह आने लगा। जब उनके पास में 1,00,000 रुपया सप्ताह भी आने लगा, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, तो मेरे भी दिल और दिमाग में कुछ कुछ होने लगा। मैं कितने लोगों के कंधे पर चलता है, कितना? मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ी सी ठीक ठाक थी। मैंने भी कहा साहब 4। उन्होंने बोला अजय जी, अगर मरने के बाद एक मुर्दे को 4 कंधे मिल सकते हैं तो क्या लगता है जिंदा रहते हो मुर्दे का 50% काम आपके साथ 2 लोग नहीं आ सकते? ये बात जिस समय उन्होंने बोली, सच को ये बात तीरिक तेरे सीने में चुभ गई, और मुझे लगा कि अगर जिंदा रहते हुए अगर 2 लोग अगर मुझ पर विश्वास अगर नहीं कर पाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मरने के बाद जब 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी तो 4 लोग आ ही जाएंगे। उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, मां कसम मरने से पहले 2 आदमी को तो पक्का जोड़ दो पक्का जोड़ के देखा। और इस सोच के साथ आज से 8 साल पहले इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब मैंने 8 साल पहले काम करना शुरू किया था, तो अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में नहीं बताता था। अब आप पूछेंगे क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि जब दोस्त को बताऊंगा ना, तो भाई 8,00,000 कमाने वाली बात है, उसको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो फिर वो जुड़ना भी चाहेगा। हाँ कि ना? लेकिन जुड़ने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? वो तो उसके पास में है नहीं ना। अब मैं पहले उसको पटाऊं, वो पट गया तो फिर कहेगा पापा को पटाओ, पापा पटेंगे तब मामला फाइनल राउंड में जाएगा। तो जब फाइनली पापा को ही पटाना है, तो बेटे को पटाने से क्या फायदा है? पापा को पटाते। ऐसे लोगों को मैंने इस बिजनेस के
बारे में समझाना शुरू कर दिया जो मेरे साथ नहीं पढ़ते थे। ऐसे लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया जिनकी उम्र 40 साल की थी, जिनकी उम्र 50 साल की थी, जिनकी उम्र 65 साल की थी। ऐसे लोगों को मैंने इस बिजनेस के बारे में समझाना शुरू किया। जब मैं किसी 40 साल के किसी व्यक्ति के पास में जाता था और उनसे इस बिजनेस के बारे में बात करता था और उनसे मैं बड़े प्यार से बोलता था कि अंकल जुड़ जाओ करोड़पति बनोगे, तो अंकल मुझसे पूछते थे कि बेटा एक बात बता तूने अब तक कितना करोड़ कमाए। तो मैं उनसे कहता था अंकल आप जुड़ोगे तभी तो कार्यक्रम शुरू होगा। तो अंकल बड़े प्यार से कहते थे कि देख बेटा चोर भी है ना, कम से कम अपना मोहल्ला छोड़ के ही चोरी करता है। अरे अपने मोहल्ले वाले को तो मत फंसा, दूसरे मोहल्ले वालों को फंसा। मुझे लगता था कमाल का, मैं अंकल को करोड़पति बनाने की बात कर रहा हूँ और अंकल फंसने फंसाने वाली बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था अंकल ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जब मैं किसी 55-60 साल के व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाता था और उसमें बड़े प्यार से बोलता था कि बाबा छोड़ जाओ करोड़पति बनोगे, तो बाबा अपने सफेद बालों को दिखाते बेटा ये देख रहा है। मैं भी देख रहा था और मन ही मन सोचता था कि शाहरुख खान की जैसे वो अलग बात पता था। और वो अपने सफेद बालों को दिखा के कहते थे कि बेटा तू देख रहा एक्सपीरियंस तजुर्बा। जिंदगी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बालों की सफेदी का एक्सपीरियंस से क्या लेना। कोई आदमी दुनिया में पैदा हुआ जिंदगी में अगर वो कुछ भी ना करे तो क्या उसके काले बाल सफेद नहीं होंगे। चलो साहब कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी थे। बोलो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा एक बात बता अब तक तूने कितनी कंपनी ज्वाइन की है। मैंने कहा बाबा मेरी तो पहली है। बोला बेटा तेरी तो पहली है। बोले जितनी तेरी उम्र है ना उतनी कंपनी को ज्वाइन करके मैं छोड़ चुका हूं। बोला अगर ऐसी कंपनियों से अगर लोग करोड़पति बनते हैं ना तो बेटा हम पाने के बाद हिंदुस्तान में मेरा ही नंबर आता। बोले ऐसी कंपनी में कोई करोड़पति नहीं बनता। इधर होता क्या है, पहले आदमी 10,000 फंसाता है, जिसका 10,000 फंस गया बेचारा वो अपने 10,000 निकालने के चक्कर में 10 को फंसाता और वो तो 10 फंस गए, वो अपने 10,000 निकालने के चक्कर में 10 को फंसाते रहते और ऐसे फंसने फंसाने वाला कार्यक्रम चलता है। करोड़पति करोड़पति कोई नहीं बनता, जगुआर किसी के नहीं आती, रेजरवा किसी के नहीं आती, ये सब फालतू की बातें। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आज तक जिंदगी में अपनी नौकरी के अलावा 10,000 कमाने का अलग से कोई रास्ता बताने वाला नहीं आया होगा और मैं उनके पास में 8,00,000 कमाने का रास्ता बताने के लिए गया हूं, तो बाबा जी को समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। शुरुआत में मैंने 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया। कितने लोगों को 256। 6 महीना लगा था साहब 256 आदमी को समझाने। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी करते थे, 7,000 महीना कमाते थे, तो उन्होंने एक साइकिल दी हुई थी जिस साइकिल से मैं स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ने जाता था, उसी साइकिल में बैठकर लोगों को घर जाकर इस बिजनेस के बारे में समझाता भी था। शुरू में 6 महीने में 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया, जुड़ा एक भी नहीं। तो मैं मन ही मन सोचता था कि हे भगवान तूने कौन सी मनुष्य वाली कलम से मेरी किस्मत लिखी। अरे एक भी मुर्गा अगर फंस जाता तो मैं कहता मुर्गा फंसाना मुझको भी आ गया, एक भी नहीं फंस रहा था, एक भी नहीं जुड़ रहा था। और जब हम बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों का फॉलोअप करते हैं, उसके बावजूद हमारे पास हमारे हिसाब का रिजल्ट नहीं आता तो आदमी को किसकी याद आती है, किसकी याद आती है? अप्लाई की, सीनियर की। छोड़ो उस कमीने की जो कहता था करोड़पति उसमें थोड़ी दिखाई देता कि वो अपलाइन है, सीनियर है, भगवान जी है, गुरु जी है, उसमें तो कमीने ही दिखता, लूट के ले गया ना। और मैं भी उन्हीं के पास में गया और उनके पास में गया और मैंने बोला साहब आप तो कहते थे करोड़पति बनेगा, लाखों कमाएगा, तेरा बंगला होगा, तेरी मर्सिडीज होगी, यहाँ तो कार्यक्रम शुरू नहीं हो रहा। जिसको भी समझाने के लिए जाता हूँ बच्चा समझ के गोल गोल घुमा घुमा के वापस भेज देता है। बताओ मेरी गाड़ी कैसे शुरू होगी, बताओ मेरा जीवन कैसे बदलेगा। उस समय दोस्तों उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मेरी अप्लाई की जो उम्र है वो 56 साल, तो समझाने में मास्टर होंगे, 56 साल का जिंदगी का तजुर्बा था। तो 56 साल के जिंदगी के तजुर्बे से उन्होंने खूब मुझे समझाना शुरू किया कि बेटा जिंदगी बड़ी बनेगी, भरोसा कर, विश्वास कर। बहुत सारी बातें समझाई, उम्र छोटी थी समझ में नहीं आ रही थी क्या बता रहा है, क्योंकि सीधी सीधी बात दिमाग में जाती ही नहीं थी। लेकिन समझाते समझाते एक बात दिमाग में चली गई। उन्होंने बोला कि अजय जी दुनिया में आपके रिश्तेदार को, आपके जिगरी वाले यार को या आपके किसी भी अपने को
आपको इस बात पर उनको इस बात पर विश्वास है या नहीं कि आप करोड़पति बन सकते हो या नहीं बन सकते, इस बात से आपकी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं। अगर आपको अगर अपने आप पर अगर विश्वास है कि आप करोड़पति बन सकते हो तो एक दिन वो सारे रिश्तेदार झूठे पड़ जाएंगे और आप पक्का करोड़पति बन जाओगे। आपका अपने आप पर विश्वास करना यह बहुत जरूरी है। जमाना आप पर भरोसा करता है कि नहीं, इस बात से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता नहीं। बोलो भरोसा करो, विश्वास करो, ट्रेनिंग में जाओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजी मुझे एक बात बताओ आप क्या करते हो। मैंने कहा सर आपको तो पता है मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। बोला कितने साल हो गए। बोला 2 साल पढ़ाई करते करते हो गए। बोला आपने अपने घर में अपनी मम्मी को पिछले महीने कितनी तनख्वाह दी थी। तनख्वाह क्या क्या बात करते हो सर, अभी तो पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी डिग्री पूरी होगी, फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, कई इंटरव्यू फेस करूंगा, तब मेरी कोई नौकरी लगेगी, फिर मैं 30 दिन काम करूंगा तो फिर 30 दिन के बाद तनख्वाह ला के दूंगा ना। बोला मतलब तनख्वाह का कार्यक्रम शुरू ही होगा। बोला इंजीनियरिंग करने के बाद कितना मिलेगा। तो मैंने कहा सर कितना क्या, मतलब 30-40 हजार तो कम से कम 25-30 हजार तो मिल ही जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे तो प्राइवेट में मिल ही जाएंगे। उन्होंने मुझे बोला कि अजय जी 25-30-40 हजार कमाने के लिए आदमी 4 साल अपनी जिंदगी में सीखने के लिए तैयार है कि वो काम किया कैसे जा सकता है। तो आप मुझे बताओ 8 लाख कमाने के लिए आदमी को 1 साल भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि मैं कर क्या, मैं सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा। उन्होंने बोला ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस किया कैसे जाता है। शुक्रवार के दिन मैं ट्रेनिंग में जाने लगा और धीरे धीरे मैं सीखने लगा। वहां मैं देखता था कि ऐसे ही कोई ना कोई व्यक्ति सफल व्यक्ति माइक लेकर बात करता था और उनको देखकर मुझे लगता था कि यार दिखने में तो ये भी आदमी 2 हाथ 2 पैर वाला है, और जब 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी यहाँ अपनी जिंदगी अगर बड़ी बना सकता है। इस व्यक्ति की भी जिंदगी बहुत छोटी थी लेकिन आज ये व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया। मेरी भी जिंदगी बहुत छोटी है तो कल को मेरी भी जिंदगी बड़ी हो सकती है। वो विश्वास बनता था और लगातार सिस्टम की ट्रेनिंग को लेने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना है। धीरे धीरे जब सीखना शुरू किया और सीखने के बाद यह बिजनेस करना शुरू किया तो आज इस बिजनेस के भीतर मुझे 8 साल हो चुका है। इन 8 सालों में आज मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा लोगों की टीम आती है। आज से 2 साल पहले 1 करोड़ की सीमा। तीसरा घर खरीदा आज से 1 साल पहले 2 करोड़ की कीमत। चौथा घर आज से 8 महीना पहले खरीदा 1 करोड़ की कीमत। साहब लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी जिंदगी लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार के लिए अगर 2 कमरे का एक मकान अगर बना लेता है, 2 कमरे का मकान, वो मकान 2 कमरे का उस व्यक्ति की जिंदगी का लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, लाइफ टाइम। मैं सही कह रहा हूं? Yes. वो एक मकान एक आदमी की जिंदगी का लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। लेकिन सेट शॉप की एक दुनिया ऐसी भी है जिस एक मकान को लोग जिंदगी का लाइफ टाइम अचीवमेंट समझते हैं, ये सेट शॉप में दम इतना है तो वो लाइफ टाइम का अचीवमेंट हर आदमी की जिंदगी में 1 साल में 1 पैदा करके दे सकता है। हर साल में आप जरा सोच कर देखो, जिंदगी इतनी बड़ी भी हो सकती है, जीवन इतना ही बड़ा हो सकता है। पढ़ाई किया करता था तो सोचता था कि 20-25 हजार महीना भी अगर मुझे कोई नौकरी अगर मिल जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी बदल गई। जिस परिवार का मुखिया 7 हजार महीना कमाता हो उस घर का अगर बेटा 20-25 हजार महीना कमाने का अगर सपना अगर देखता हो तो मुझे लगता है कि वो अपनी औकात से ज्यादा सपना देख रहा है। और 20-25 हजार रुपए सच कहूं मेरे घर के लिए मेरी औकात से भी ज्यादा था। लेकिन आज बड़े गर्व से कह सकता हूं इस बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस की सबसे हाईएस्ट इनकम कितनी है आज, सप्ताह में 2 लाख रुपए कमाता हूं, महीने का 8 लाख कमाता हूं और साल का 1 करोड़ 4 लाख हर साल इस बिजनेस। यहां कितने लोग हैं जिन्होंने भी बिजनेस को जॉइन नहीं किया, जरा एक बार फिर से हाथ खड़े। एक काम करते दो लोग इधर से जिन्होंने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया आ जाओ फटाफट। मतलब मेरी सेटिंग नहीं है, ठीक है, मेरी सेटिंग वाले लोग नहीं बैठे हैं, आप लोगों के ही लोग। ये मैंने कंपनी की मैंने साइट मैंने खोली हुई है और ये मेरी इनकम का मेरा स्टेटस है, ठीक है, और ये मैं अपनी इनकम का स्टेटस आप में से आपके साथी लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा आप पास अगर करीब आप लोग इधर से गोल गोल जरा घेरे में आ जाए, इधर के लोग देखना, मैं दिखा भी नहीं दिखा रहा, मजाक मजाक नहीं कर रहा। तो ये मेरी आईडी है, ठीक है,
और ये डेट लिखी, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, क्या तारीख लिखी हुई, तारीख पढ़ के बताइए। 16/11/2019 बराबर 2 लाख जी, 16 तारीख। और अगली तारीख क्या है? 9/11/2019 कितनी है? 2 लाख। फिर 2/11 2,02,944 अच्छा, फिर कितनी है? 15/10 2 लाख। फिर कितनी है? 28/9 2,24,000। लॉटरी का टिकट है, मैंने खरीद लिया है, 4 साल बाद अपने आप जैकपॉट लग जाए। ये कोई स्कीम है? खाली में जुड़ गया हूं, मेरा नंबर अपने आप 2-3 साल बाद आ जाएगा और बोलेंगे आ जाओ करोड़पति की लिस्ट में आपका नाम आ गया, बुरा लेके आना साथ में 1 करोड़ लेके जाओ। कई लोग इसे अलादीन का चिराग समझते हैं कि इसको घिसूंगा जिन्न निकल के आएगा। क्या आप 3 से 4 साल तक रुकने के लिए तैयार हैं? क्या 3 से 4 साल तक आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या 3 से 4 साल तक लोगों की नाक को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या 3 से 4 साल तक लोग जो आपको ताने मारेंगे सहने के लिए तैयार हैं? बिलीव करो, अगले 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद सेम शॉप में जब कोई डायमंड पैदा होगा यही से पता, यही से पता। आप इस बात पर कतई मत सोचना कि जमाना क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। लोग छोटी छोटी चीजों का मजाक नहीं उड़ाते, अक्सर करके लोग मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते हैं? जब आदमी बड़ा कुछ करने के बारे में सोचता है। हाँ कि ना? आप अगर कहोगे कि मैं चीफ बैंक में क्लर्क की नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, समाज में कोई आप पर हंसेगा क्या? कोई ताने मारेगा क्या? आप कहोगे कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, कोई हंसता है क्या? अरे अगर घर में अगर हमारा 10 साल का बच्चा जब कहता है ना कि पापा मैं बड़े होकर डॉक्टर साहब बनूंगा, पापा खुश। और मैडम से कहता सुनो जी घर में काजू बादाम है कि नहीं? बोला नहीं है तो बोरा भर भर के मंगवा लो। बोला हमारे बेटे ने डॉक्टर बनने का फैसला किया, इसका दिमाग तेज रहना चाहिए, खिलाओ अखरोट खिलाओ बादाम खिलाओ। क्यों पापा इतना खुश क्यों? पापा इतना खुश क्यों है? क्योंकि पापा को दिखाई क्या दे रहा है? शहर का सबसे मशहूर वाला जो डॉक्टर साहब है ना, उनका बड़ा सा हॉस्पिटल, उनका बड़ा सा घर, उनकी बड़ी सी गाड़ी, उनके वो स्टाफ, उनकी वो इज्जत, उनकी वो तो सोने की अंगूठी में उंगली में पहनते हैं, तो लोग उंगली में पहनते हैं, वो बनना चाहता है, ये बनकर करेगा क्या? पापा को समझ नहीं आ रहा। तो पापा को क्या लगता है? बेटा पागल हो। छोटी नौकरी करने की बात करोगे ना तो कोई नहीं, छोटी जिंदगी जीने की बातें करोगे ना तो कोई मजाक नहीं होगा, लेकिन जब जिंदगी में बड़ी चीज कुछ करने के बारे में बात करोगे तो दुनिया का हर आदमी मजाक उड़ाएगा, आपके सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। अरे जिस बाप ने पाल पोस के पैदा किया, उस बाप को जब बोलोगे कि मैं आने वाले कल का करोड़पति बनूंगा तो आपका बाप बोलेगा साला पागल हो गया है, जब बाप को विश्वास नहीं करती है या नहीं करती है जिंदगी उसकी वजह से नहीं बनती। आपको विश्वास है या नहीं कि आप करोड़पति बन सकते हो? आपकी जिंदगी से बस इस बात की वजह से। मुझे आज भी याद है कि जब ये बिजनेस करना शुरू किया था तो मेरे पापा ने बोला था कि नालायक तू पागल हो गया, हर आदमी करोड़पति नहीं बनता, हर किसी के नसीब में करोड़पति बनना लिखा नहीं होता। मैंने अपने पापा से पूछा था कि पापा जब मैं पैदा हुआ तो आपने मेरी जन्म पत्री बनवाई थी, किसी पंडित जी से मेरा हाथ दिखवाया था। बोला क्यों? बोला दिखवाया तुमने? तो बोला जब आपने मेरा हाथ ही नहीं दिखवाया था, आपको कैसे मालूम कि आपका बेटा करोड़पति नहीं बन? बोला बेटा मैं जानता हूं तू करोड़पति नहीं बन सकता। बोला बेटा ऊपर वाले के घर में 2 फैक्ट्री है, 2
एक से गरीब पैदा होता है और एक से अमीर पैदा होता है। अगर तुझे ऊपर वाले को करोड़पति बनाना होता ना तो तू अंबानी खानदान में पैदा होता, तू मेरे घर में पैदा हुआ। सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर, नौकरी कर, यही जिंदगी तेरे लिए। बड़ा सोच मत, हवा में उड़ने की कोशिश मत कर, जिंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं। जिस बाप ने पैदा किया उस बाप को भरोसा नहीं था कि मेरा बच्चा करोड़पति बन सकता। मेरे साथ एक व्यक्ति थे जिन्हें बिजनेस में लोग अप्लाई किया, सीनियर गए, जो कहते थे जिंदगी में एक आदमी को सफल होने के लिए जितना कुछ चाहिए परमात्मा ने सब कुछ आपके भीतर दे रखा है और मुझे भरोसा है आप करोड़पति हर हाल में बन सकते। जिंदगी में सबसे बड़ी भयंकर वाली जो भूत होगी पापा की बात नहीं, अप्लाई की बात मानी करोड़पति। जब आप सपने देखना शुरू करोगे, छोटे नहीं बड़े बड़े सपने जब आप देखना शुरू करेंगे, आपके उन बड़े सपनों पर आपके अपनों को भी विश्वास नहीं होगा। उन सपनों पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो वो आप खुद होंगे। और जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे आपके अपने भी आप पर विश्वास करना लगे रहना, चलते रहना, द डे विल कम, आपकी जिंदगी बदलेगी और आप भी अपने खानदान के पहले करोड़पति बनकर उस खानदान का इतिहास का नक्शा पलट डालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।